हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम रिडक्स के अंदर एक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम रिडक्स के अंदर जब हम एक रिड्यूसर बनाते हैं तो हम वो कैसे बनाते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमने एक लॉगिन, ये एक हमने लॉगिन एक्शन बनाया था और एक हमने लॉगआउट एक्शन बनाया था। ये दो एक्शन बनाए थे, एक हमने एक्शन डॉट टाइप की फाइल से हमने ये दो चीजें निकाली थी और उनको हमने टाइप में डालकर, और लॉगिन के अंदर हमेशा हमारे पास एक यूजर नेम आएगा, उस यूजर नेम को हमने पेलोड में डाल दिया था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट काम जो होगा वो रिड्यूसर के अंदर होगा। तो रिड्यूसर के अंदर बेसिकली हम क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे रिड्यूसर डॉट जेएसएक्स। ये हमने कहा एक फाइल बनाई। फाइल बनाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारे जो भी लॉगिन लॉगआउट जो हमारे ये हैं एक्शन टाइप हैं। ठीक है, एक हमारे पास लॉगिन आ गया, अगेन हमारे पास आएगा लॉगआउट का, लॉगआउट लिखेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम इन दोनों चीजों को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। एंड देन सेकेंड चीज गाइस हमारे पास आती है, हमें एक यहाँ पर रिड्यूसर क्रिएट करना है बेसिकली। ठीक है, उस रिड्यूसर को क्रिएट कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, हमने लिखा ओथ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी को हम रिडक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। अभी ऑथेंटिकेशन की बारी आ गई तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओथ रिड्यूसर इक्वल टू, हमने यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया गाइस। ठीक है जी, एरो फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली गाइस दो चीजें आती हैं। एक आती है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है जो आती है स्टेट, जो भी हमारी स्टेट आएगी वो स्टेट यहाँ पर आएगी, सॉरी ए गाइस, हमारे पास यहाँ पर इनिशियल स्टेट आती है। देन जो सेकंड चीज आती है, सेकंड चीज आती है हमारे पास यहाँ पर एक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास इसमें पैरामीटर में हमें पास करनी पड़ती है। तो जो एक्शन, ये जो हम स्टेट लिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है जो भी हमें डिफाइन करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक यहाँ पर ना इनिशियल स्टेट नाम से एक ऊपर हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्टेट हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर में हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद बेसिकली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम पे हमारी क्या होती है, हमारी होती है फॉल्स, हमने यहाँ पर ये लिख दिया जी। सेकंड चीज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, सेकंड चीज गाइस हमारी यहाँ पर क्या आएगी, हमारा क्या आ रहा है वहां पर यूजर नेम। यूजर नेम बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यूजर नेम हम फर्स्ट टाइम पे कर देंगे नल। फर्स्ट टाइम पे हमारे पास इनिशियल स्टेट जो भी ये आ रही है, इस इनिशियल स्टेट को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको पास ऑन कर देंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमने पास ऑन कर दी। अब उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर गाइज हम एक स्विच केस क्रिएट करेंगे। स्विच केस में बेसिकली क्या होने वाला है कि जो भी हमारा एक्शन आ रहा है, हम चेक क्या लगा रहे हैं, एक्शन डॉट टाइप, जो भी हमारा टाइप आ रहा है उस टाइप के बेस पे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम अपने केसेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जो एक्शन डॉट टाइप है ना, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, जो कि हमारा आ रहा है ये लॉगिन। ये गाइस हमने यहाँ पर लॉगिन लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक रिटर्न। रिटर्न के बाद बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर स्टेट आ रही है। ठीक है, इस स्टेट को हम स्प्रेड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में जाकर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन आ रही है, इस ऑथेंटिकेशन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रू। मतलब हमारी क्या हुई, ये ऑथेंटिकेशन हमारी यहाँ पर ट्रू होगी, लॉगिन का आया ट्रू होगी। एंड देन हमारे पास लास्ट क्या था, यूजर नेम। यूजर नेम में जी जो भी हमारा क्या नाम, एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूजर नेम। हमारा जो एक्शन पेलोड के अंदर यूजर नेम आ रहा है वो हम यूजर नेम में सेव कर देंगे। इनिशियल स्टेट जो भी थी हमारी सारी की सारी यहाँ पर फिल हो गई है। ठीक है, लॉगिन के केस में सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, सेकंड केस बनाएंगे गाइस। यहाँ पर सेकंड केस हमारा क्या होगा, यहाँ पर लॉगआउट का। गाइस ये लॉगआउट का जो केस बनाया, इसके अंदर हम पहले स्प्रेड करेंगे स्टेट को, जो भी हमारी स्टेट आ रही है, इनिशियल स्टेट आ रही है। देन उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको फॉल्स कर देंगे, जो कि हमारी फॉल्स होने वाली है। एंड देन जो हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम को अगेन हम फिर से नल कर देंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है जी, ब्रेक मारने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न लगा दिया। लास्ट स्टेट के अंदर क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट, हमारी जो भी स्टेट आ रही है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर स्टेट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हमारा ये क्या हुआ, एक हमारा ये रिड्यूसर क्रिएट हो गया फाइनली, जिसके अंदर हमने एक एक्शन क्रिएट किया। एक्शन क्रिएट करने के बाद हमने एक लॉगिन एक्शन बनाया, क्या होगा हमारा, उसके बाद हमने लॉगआउट का बनाया, फिर हमने लास्ट में डिफॉल्ट के अंदर उसको जो भी स्टेट थी वही हमने वापस कर दी। देन लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
जो भी हमारा O3 यूजर है उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, ताकि हम उसको एक नेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी हमारी स्टोर की फाइल है हम उसको वहां पर यूज कर पाए। तो गाइस बेसिकली हमारा ये जो रिड्यूसर का काम होता है, रिड्यूसर का काम बेसिकली यही होता है कि हम यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर एक रिड्यूसर बनाते हैं। उस रिड्यूसर के अंदर हमने जो भी चीजें हमने वर्क करना होता है, जो भी हमने प्रोसेस बनाना है, जैसे कि मैंने लॉगिन का प्रोसेस बनाया था ऑथेंटिकेशन के लिए, तो मैंने क्या किया लॉगिन के अंदर रिटर्न लगा के इसको स्प्रेड करा थोड़ा, उसके अंदर जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन थी ट्रू होगी जब लॉगिन का केस चला। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम जो भी हमारा एक्शन डॉट पेलोड में हमारा यूजर नेम आया, वो यूजर नेम हमने यहाँ डाल दिया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं एक्शन के अंदर हमने एक यूजर नेम लिया हुआ है लॉगिन के अंदर, इस पेलोड के अंदर हमें ये मिल रहा है। तो जब हम एक्शन को यूज करें एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड के अंदर यूजर नेम, तो गाइस हमने ये सब चीजें यहाँ पर यूज करी तो हमें यूजर नेम मिल गया। लॉगआउट के केस में हमने सब कुछ नल कर दिया, फॉल्स कर दिया, देन लास्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो डिफॉल्ट केस चलेगा हमारा। तो एक हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो गया। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि आप किस तरह से अपना एक रिड्यूसर क्रिएट कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। ये तो मैंने सिर्फ एक लॉगिन लॉगआउट के लिए सिंपल सा बना के दिखाया, बट आप जब इसको फंक्शनैलिटी बनाओगे किसी भी चीज में यूज करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम एक फाइनल स्टोर के साथ और एक पूरी फंक्शनैलिटी के साथ, जिसमें हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक स्टोर क्रिएट करेंगे, उस कंपोनेंट से हम रीडेक्स के अंदर डेटा को पास करके देखेंगे कि हमारा डेटा कैसे पास हो रहा है और कैसे हमारी लॉगिन लॉगआउट की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।